अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एमआर और इस वक्त मेरे हाथ में है एडिडास का लाइट ट्रेसर 5.0। इस शू के मुतालिक जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं और जितने भी इसकी अनबॉक्सिंग है उसको देखने के लिए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, लेकिन वही एक रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगले आने वाली शू से रिलेटेड तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुँच सकें। चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और बगैर किसी तारीख के चलते हैं वीडियो की अनबॉक्सिंग की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस शू का बॉक्स दिखा देता हूं, ये चेक कर लीजिए। और अब चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। जी तो अगर इसकी बात कर लें, सबसे पहले इसके नाम की बात अगर हम करें तो इसका नाम है लाइट ट्रेसर 5.0। एडिडास का ये शू है और ये आपको कैजुअल सीरीज में और नॉर्मल हल्की फुल्की जॉगिंग के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा शू है। और अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले इसके अपर की बात करते हैं, तो इसका अपर जो है वो और शू के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, बहुत ज़्यादा ब्रेथेबल है और ये आपके इंटरनल स्वेटिंग इशूज़ को बहुत हद तक जो है वो अच्छा कम्फर्ट प्रोवाइड करेगा और ये आपको बहुत ज़्यादा ब्रेथेबल भी रखेगा। साथ ही साथ अगर हम इसके लेसेस की बात कर लें तो ये बिल्कुल स्लिप ऑन स्टाइल है, तो ये लेसेस जस्ट फॉर इसके लुक्स के लिए हैं। ये बिल्कुल एक स्लिप ऑन स्टाइल शू है जिसके अंदर आप सिर्फ जो फुट है उसको आप इन आउट कर सकते हैं और इसमें किसी भी किस्म की आपको लेसेस वगैरह बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्लिप ऑन स्टाइल शू है और इसमें इंटरनल इसकी सपोर्ट और इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। साथ ही साथ ये जो लेसेस आप देख रहे हैं, ये लेसेस रिफ्लेक्टेड लेसेस हैं जो कि नाइट के अंदर, रात के अंदर आपको चमकते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और ये एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं दूसरे किसी इंसान को जो कि आपके शूज़ की तरफ देख रहा होता है, तो ये रिफ्लेक्टेड लेसेस हैं। और साथ ही साथ अगर हम इसके मिडसोल की बात करें तो मिडसोल जो है वो इसका वो क्लाउड फॉर्म है, क्लाउड फॉर्म सीरीज़ का ही मिडसोल है, इसके शू के ऊपर मेंशन भी होता है। क्लाउड फॉर्म जो है वो एक बहुत ज़्यादा ईवीए फॉर्मिंग है एक तरह की, और ये एयर ट्रैप फॉर्मिंग कह लें आप इसे, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, ये आपको बहुत अच्छा कुशन प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ आपको हल्की फुल्की जॉगिंग में होने वाले जो मसाइल हो रहे होते हैं या फिर जो वो हजरात जिनको शू पहनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है या फिर क्या कहते हैं वो ज़्यादा चल नहीं पाते, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं रनिंग नहीं कर पाते, लॉन्ग रनिंग नहीं कर पाते, तो उनके लिए शू बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर इसी हवाले से इसके आउटसोल की बात करें तो इसका जो आउटसोल है वो कोई भी नहीं है, लेकिन इसकी की वन पीस मिडसोल फॉर्मिंग को ही इसी का आउटसोल बनाया हुआ है और इसके ऊपर ग्रिप देने के लिए, ट्रैक ग्रिप देने के लिए और साथ ही साथ रोड ग्रिप देने के लिए इसके ऊपर बफल्स बनाए हुए हैं जो कि आपको एक अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ आपको किसी भी मोमेंट से, इम्पैक्ट से, स्लिप होने से बचाते हैं, आपको झटकों से महफूज रखते हैं। तो ओवरऑल अगर शू की बात करें तो शू के लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसको आप वैसे ही नॉर्मली जीन्स वगैरह के ऊपर कैजुअल लुक के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और अगर शू की प्राइस की बात करें तो शू की प्राइस अराउंड 21,000-22,000 के अराउंड रहती है जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस है और एक लाइट वेट शू है। अगर वेट की इसकी बात करें तो इसका वेट अराउंड तकरीबन 250-300 ग्राम जो है वो वन पेयर का बनता है, तो ये हाफ एंड हाफ के जी का शू है। तो अगर 21,000 के अंदर आपको ये शू मिल रहा है, 22,000 के अंदर अगर आपको ये शू मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा शू है और बहुत रिलाई करता है कस्टमर्स को, तो इसकी तरफ जाना। और फिर अगर इसी के हवाले से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, इसके मोमेंटम की बात करें तो बहुत अच्छा है और जॉगिंग पर्पस के लिए, लाइट रनिंग के लिए, हल्की फुल्की रनिंग सेशंस के लिए ये आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करेगा, आपको इंपैक्ट वगैरह से बचा के रखेगा। तो अगर 22,000 रुपये के अंदर इशू आपको मिल जाए तो दैट इज नॉट अ बैड डील। और वीडियो को इख्तिताम करते हैं, लेकिन वही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शू से रिलेटेड आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सकें। और इससे पहले जो मैं शू ब्लॉग्स बना चुका हूं, जो शू से रिलेटेड वीडियोस बना चुका हूं, उनको भी लाजमी देखें ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में मजीद इजाफा हो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक आप सबको मुझे हमेशा शादो आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।